सिंगरौली के अमलोरी कोल माइंस में रिलायंस प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि कोयला शिफ्टिंग करने वाला डंपर एक बुलेरो के ऊपर चढ़ गया, जिससे दो लोगों की मौत हो गई। अमलोरी कोल माइंस में रिलायंस प्रबंधन के द्वारा सुरक्षा के मापदंड नहीं अपनाए जाने के कारण कई घटनाएं हो चुकी हैं, फिर भी रिलायंस प्रबंधन इन सब से सबक नहीं ले रहा है, जिसके चलते एक बार फिर कार्य करने के दौरान दो व्यक्तियों देवेंद्र पांडे और आदेश शाह की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोयला शिफ्टिंग करने वाला डंपर अचानक एक बोलेरो के ऊपर चढ़ गया, जिससे उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। लाख रुपए दह संस्कार के लिए चाहिए, मुआवजा के तहत 1 करोड़ रुपया चाहिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉलेज तक निःशुल्क चाहिए हमको, और माता पिता के लिए पेंशन चाहिए और 50,000 रुपये महीना मंथली हमको परमानेंट नौकरी चाहिए DAV स्कूल में। कल से हम लोग 5 बजे यहाँ पे बैठे हैं, कोई भी हमारे पास नहीं आया है। जितने भी पुलिस पे पब्लिक आ रही है सब उधर ही जा रही है, SDM कलेक्टर सब आए हैं, लेकिन हम लोग के पास कोई नहीं आया है, सिर्फ कंपनी के अंदर जा रहा है सब लोग। क्या कुछ बातचीत हुई कंपनी वालों से? कोई बातचीत नहीं, करने के लिए तैयार है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।